लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास रहा। जहां सत्ताधारी एनडीए का कुनबा 300 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया, वहीं उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बहुमत का जरूरी आंकड़ा 272 भी नहीं छू सकी। पिछले दो चुनावों में करिश्मा दिखाने वाली बीजेपी का रथ इस बार 240 पर ही रुक गया। इसकी बड़ी वजह यूपी और राजस्थान में अपने कब्जे वाली सीटें गंवाना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले नतीजे पंजाब से निकले। कृषि प्रधान राज्य पंजाब में बीजेपी एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही। 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। बीजेपी इस बार खाता भी नहीं खोल पाई, यहां तक कि वोटों के मामले में वो चौथे पायदान पर खिसक गई। बताया जा रहा है कि 1998 के बाद ये पहला मौका है बीजेपी का पंजाब में खाता नहीं खुल पाया। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, फिर 1999 के चुनाव में 1 सीट पर ही जीत नसीब हुई। इसके बाद साल 2004 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती, 2009 में ये आंकड़ा वापस 1 पर पहुंचा, 2014 में मोदी लहर में भी 1 सीट मिली थी, वहीं 2019 में 2 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी का पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और लुधियाना जैसी हिंदू बहुल सीटों पर ही प्रभाव है, लेकिन इस बार वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। तरणजीत सिंह संधू जैसे पूर्व राजनयिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर और पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू नामी चेहरे बीजेपी से उतरने के बावजूद पार्टी को हार मिली। बीजेपी के पंजाब में लगातार पिछड़ने के 4 बड़े कारण माने जा सकते हैं, जिन पर पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। सबसे पहला, बीजेपी का पंजाब में एकला चलो फॉर्मूला, जिसके तहत उसने अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की राह छोड़कर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। दावा किया गया कि पीएम मोदी के चेहरे के बूते चुनावी दांव ठोका गया, मगर मोदी फैक्टर पंजाब में अपना दम नहीं बिखेर सका। मोदी ने यहां 4 सीटों पर रैली की, लेकिन 1 पर भी जीत नहीं दिला पाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन रहा। पंजाब के किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर पहले ही भड़के थे। हालांकि उन विवादित कानूनों को वापस लिए जाने के बाद सरकार ने किसानों से एमएसपी समेत कई वायदे किए थे, जिनका पूरा न होने पर किसान एक बार फिर से विरोध करने सड़कों पर उतर आए थे, जिसके सीधे तौर पर असर चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर झलकता दिखा। पंजाब में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी कई किसान यूनियनों ने बीजेपी और उसके उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध किया। तीसरी बड़ी वजह ये रही कि बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा सियासी चेहरा नहीं है। बताया जाता है कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह की भारी गिरावट आई है। पंजाब में बीजेपी का अपना कोई काडर भी नहीं है। अब तक शिरोमणि अकाली दल के साथ सहयोगी रही बीजेपी पहली बार अकेले और वह भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा पार्टी को चौथे पायदान पर पहुंचकर भुगतना पड़ा। पार्टी ने सिटिंग सांसदों की बजाय नए चेहरों पर दांव चला, जो उल्टा साबित हो गया। पीएम मोदी का सिखों को लेकर भाव हमेशा देखने को मिलता रहा है। चुनावों के बीच पीएम मोदी सर पर पगड़ी पहने और श्रद्धालुओं को पटना साहिब में लंगर छकाते नजर आए थे। सिखों को लुभाने की रणनीति के तहत ही बीजेपी ने पंजाब में दर्जनों कद्दावर सिखों को पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा बीजेपी के पास करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने, 4 साहबजादों के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने आदि फैसले का भी कुछ खास पंजाबी वासियों पर असर नहीं पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी पंजाब में किसी भी वक्त मुकाबले में नहीं दिख पाई।